आत्मा के विषय में पहले सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आत्मा ये आध्यात्मिक चीज है, आध्यात्मिक के भौतिक से उल्टा है। भौतिक का अर्थ है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये भौतिक चीज है और उससे उल्टा आध्यात्मिक चीज। आध्यात्मिक चीज किसको कहते हैं? हरि संबंधी वस्तु ना। आध्यात्मिक किसको कहते हैं? जो चीज हरि से संबंधित है उनको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक। उल्टा है भौतिक आध्यात्मिक। तो आत्मा आध्यात्मिक है अर्थात भौतिक नहीं है, अर्थात आध्यात्मिक आत्मा कोई भौतिक चीजों से पैदा नहीं हो सकता, वो सनातन तत्व है, कोई भी पैदा नहीं कर सकता, न पैदा था न पैदा हुआ, सनातन। जो भी चीज सनातन होती है वो पैदा नहीं होती क्योंकि वो थी, अगर थी तो पैदा कब हुई? हर पल थी, भूत में भी थी तो पैदा कैसे हो सकती? थी है रहेगी, उसको सनातन बोलते हैं। तो आत्मा ये सनातन तत्व है, अलौकिक आध्यात्मिक दिव्य तत्व है, उनको भौतिक चीजों से ना अनुभव कर सकते हैं, भौतिक क्योंकि वो भौतिक पैदाश नहीं है, भौतिक चीज नहीं है। अपनी भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक चीजों का अनुभव नहीं कर सकते। परास्तस्मास्तु भावो अन्यो व्यक्त्या व्यक्त सनातन, सनातन आत्मा है और ये आत्मा श्री कृष्ण की शक्ति है, इसीलिए वो कृष्ण का अंश है। जैसे किरण कृष्ण की शक्ति, आई मीन सूर्य की शक्ति है, इसीलिए ये किरण सूर्य का अंश है। जैसे हाथ शरीर की शक्ति है, तो इसीलिए हाथ ये शरीर का अंश है। उसी तरह आत्मा आध्यात्मिक है और कृष्ण की शक्ति है, इसलिए वो कृष्ण का अंश है। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो ये है आत्मा, एंटी मटेरियल पार्टिकल, दिव्य अलौकिक भौतिक नहीं। सो कृष्ण के नाम और धाम, कृष्ण का नाम रूप लीला गुण और धाम, बाद में उनके परिकर सात सामान, उनका सात सामान अर्थात पराफनेलिया, कृष्ण की शक्तियां उनसे अभिन्न है, कृष्ण ही है। ध्यान दो, कृष्ण का नाम रूप लीला गुण धाम परिकर सात सामान उनकी शक्तियां शक्ति 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 मतो अभिन्न, ये सब कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण ही है, कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण ही है। एनीवे सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि सबको, इसीलिए हम आध्यात्मिक आत्मा है, इसलिए हमें हर रोज 16 माला करनी ही चाहिए। और मंत्र कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला करना चाहिए क्योंकि हम आत्मा है, श्री कृष्ण का अंश है, इसलिए हमें उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। जैसे हाथ ये शरीर का अंश है, इसलिए ये हाथ को ये शरीर की सेवा करनी ही पड़ेगी। जैसे हाथ दूसरे शरीर की सेवा करे, अपने अंशी शरीर की सेवा नहीं, दूसरे शरीर की सेवा करेगा ये हाथ और यहाँ नहीं सेवा तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसी तरह ये हाथ को ये शरीर का अंश है, इसलिए ये शरीर की सेवा करनी ही पड़ेगी। उसी तरह आत्मा श्री कृष्ण का ही
अंश है। इसलिए ये आत्मा को किसकी सेवा करनी ही पड़ेगी, कृष्ण की। तो कृष्ण की सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा क्या है? कृष्ण की सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा क्या है? मुंह से और जीभ से बोलना है। क्या बोलना है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे। तो ये सेवा है। कोई कर सेवा करता है, कोई दान सेवा करता है, कोई धन सेवा करता है, कोई मन सेवा करता है। तो सबसे सिंपल और सरल और सर्वोत्तम कृष्ण की सेवा क्या है? मुख और जीभ से बोलना है हरे कृष्ण मंत्र 16 माला हर रोज गिन के करनी है। तो ये सबसे श्रेष्ठ कृष्ण की सेवा है। तो कृष्ण की 16 माला से मुंह से आप सेवा करोगे तो आपको सबसे बड़ा फल क्या मिलेगा, जिसमें सब फल समाये हैं? कृष्ण का प्रेम मिलेगा, जिसमें उनकी कृपा समाई है। जो जिसकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। तो ये आपके जीवन का परम लक्ष्य है। आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम आपको चाहिए। बच्चे को माँ बाप का प्रेम चाहिए, उसी तरह आत्मा को किसका प्रेम चाहिए? श्री कृष्ण का। तो इसके लिए कुछ प्राइस तो देनी पड़ेगी, प्राइस पे करनी पड़ेगी। वो प्राइस है 16 माला। आइडिया हरे कृष्ण मंत्र।